दाहिने कोण अर्थात साउथ ईस्ट, अगला जो हमारी अब दिशा आएगी वो है आग्नेय कोण, आग्नेय दिशा, और इसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। ये दो कॉर्नरों से मिलकर बनी हुई है दिशा और 123 डिग्री पॉइंट 75 से स्टार्ट होगी, 146.25 तक रहेगी। आग्नेय कोण के अंदर दो पदों का विश्लेषण होगा हमेशा। अब आपको कौन है तो आपको याद हो जाने चाहिए, टोटल हमारे पास एक डायरेक्शंस में 8 पद होते हैं। अगले वाला जो कोना स्टार्ट होता है उसका हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो पिछले का लास्ट वाला और अगले का फर्स्ट वाला, तो कोने हमेशा मिलके बनेंगे। तो कोने मिलने के लिए ई, इस दिशा के लिए क्या निर्माण बन गया, ई ए और एस, ई माइने ईस्ट और एस माइने साउथ। तो यहां पर जो ई एट है, अब आप डायग्राम को देखिए एक बार, पहले वहां समझते हैं। ये डायग्राम आपके पास है और देखिए सर डायग्राम नहीं दिखाई, अभी दिखेगा स्क्रीन पे, देखिए अब आपको आ गया होगा। अब हमारा जो कॉर्नर है वो है साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट जो आउटर बाउंड्री का मालिक है, आउटर दिशा का पंच तत्व में मालिक है, वो कौन है, अग्नि। देखिए रेड हो रहा है यहां से अग्नि, उसके अंदर दो पद में, वो पद भी कौन से हो गए, दोनों अग्नि। अर्थात पूर्ण रूप से जो भी आपका अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व वास्तु सम्मत जो हम किचन को मानते हैं, आपके अंदर खाना जहां पकता हो, हलवाई को अगर घर में बैठाना हो, कहीं आपको इस तरह का मान लो रसोई या किचन, या आपके कोई फैक्ट्रीज कंपनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम से सम्मत मीटर लगवाना हो, बिजली भी अग्नि होती है, कोई आपको इन्वर्टर लगवाना हो, कोई आपको जनरेटर लगवाना हो, अग्नि से संबंधित और बिजली से संबंधित ये पद आपके लिए बेटर है। तो जो हम साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं वो दो पदों से मिलकर बनी हुई है, ई एट और एस वन से। आउटर बाउंड्रीज पर जो मेन इसका रिजल्ट है वो अग्नि तत्व का है। इसका हिट पॉइंट लिख लीजिए, इससे हमें मिलेगा क्या, फायर ऑब्लिक कैश लिक्विडिटी फ्लो ऑफ मनी, अर्थात अग्नि है ये, ऑब्लिक कैश लिक्विडिटी अर्थात जो भी आपके जीवन में रूटीन इनकम है वो यहां से मिलती है। अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और मैं मेहनत के बावजूद भी दिन भर ये पैसे नहीं कमा पाता, रूटीन इनकम की प्रॉब्लम्स है। रूटीन इनकम क्या होता है, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनका रूटीन इनकम होता है, आदमी को 10-5 जो भी रूटीन गल्ला जिसे बोला गया शास्त्र में, कि आप कितने डेली कमाते हो, दैट कॉल रूटीन इनकम। यदि कैश फ्लो की दिक्कत है, रूटीन इनकम की दिक्कत है, तो आप तुरंत ये समझ जाएंगे कि मुझे साउथ ईस्ट में जाना है। किचन से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, मकान यदि आपकी किचन, आप देखना दोनों वर्ड आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा हूं, जो आपका क्वेश्चन था, यदि किचन आपका जो किचन यदि वहां नॉर्थ ईस्ट में बना देंगे तो क्या दिक्कत आएगी, कैश फ्लो डाउन हो जाएगा। व्यक्ति को जो रूटीन इनकम मिल रहा है, रोकड़ा मिल रहा है डेली वाला, वो दिक्कत में आ जाएगा। और क्या दिक्कत आएगी, बॉडी के अंदर अग्नि कहां होती है, पेट में, उसके पेट से संबंधित इशू स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जब मैं आगे बताऊंगा, इन डायरेक्शनों का बॉडी के हर पार्ट से रिलेशन है। ये जो डायरेक्शन है सूर्य डायरेक्शन, 16 की 16, जैसे जब आपको 12 राशियां पढ़ाते हैं ज्योतिष में, तो पूरी बॉडी के अंदर 12 राशियां प्रतिनिधित्व करती हैं कि कान का कौन कर रही है, चेस्ट का कौन कर रही है, पेट का कौन कर रही है, ऐसे ही 16 डायरेक्शन हमारी बॉडी का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो मोटा मोटी इससे आइडिया भी ये लगता चलेगा, जैसे अग्नि से संबंधित बात हुई तो पेट से संबंधित बात हो रही है।
गॉल ब्लैडर से संबंधित बात हो रही है, बड़ी आंत से संबंधित बात हो रही है, पाचन तंत्र की बात हो रही है, अगर ये हमारी किचन डिफेक्टेड है तो हमारे ये प्रॉब्लम आएंगी हमें। अब लिखिए इसके अंदर, यदि आप घर में पैसों की कमी / नकदी से जूझ रहे हैं, पैसों की कमी / नकदी से जूझ रहे हैं, और एक स्पेशल लाइन छोड़ के आप लिखना, बहुत क्वेश्चन करते हैं लोग और आपके सामने, सर मेरा रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा। गौरव जी आपके लिए स्पेशल है, मेरा रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा, मेरा उसने पैसा वो दे नहीं रहा है, उधार ले लिया जी, देता ही नहीं है सर, वो लेके भाग गया सर, मुझे उसने चेक दे दिया, बाउंस हो गए, मेरा पैसा नहीं निकल रहा। इसका मतलब सीधा सीधा सा है, आपकी साउथ ईस्ट जो दिशा है उसमें फॉल्ट है। आगे लिखिए, ये दिशा वास्तु सम्मत होती है, ये दिशा वास्तु सम्मत, अगर किचन आपकी किचन पर बनी हुई है, इन्वर्टर इन्वर्टर पे है, फायर्स फायर्स पर है, तो क्या होगा, जीवन में ऊर्जा की उपस्थिति, ऊर्जा की उपस्थिति, कैश संचार की कमी नहीं रहेगी। कैश लिक्विड की फ्लो ऑफ कैश की कमी नहीं रहेगी। आगे लिखिए अगला पॉइंट बना के, यदि ये दिशा वास्तु सम्मत नहीं है, ये दिशा वास्तु सम्मत नहीं है तो क्या क्या होगा, लिखिए ब्रैकेट में करके, सबसे पहले बार बार दुर्घटनाओं का होना, बार बार दुर्घटनाओं का होना। आगे लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पति पत्नी के संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में कटुता आना, ये क्यों लिखवाइए ये बात, साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है उसका मालिक शुक्र होता है, ठीक है, और जब कलर की बात करेंगे तो वो कौन हो जाएगा, मंगल, रेड कलर, ठीक। अगर ये पद डिस्टर्ब है, शुक्र कौन होता है, फीमेल, अपना स्पाउस, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ठीक। आगे लिखिए और बताता हूं, बार बार स्टोन और ऑपरेशन का होना, स्टोन माने पथरी होना, बार बार स्टोन होना और पथरी स्टोन एक ही बात है, और दूसरा क्या बोला है, ऑपरेशन होना, ऑपरेशन के ब्रैकेट में लिख लेना, पेट से संबंधित, पेट से संबंधित। आगे लिखिए, इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व से होता है, यहां रेड कलर उपयुक्त है, अब मेरी बात यह भी ध्यान रखना, डार्क रेड नहीं कराना, डार्क रेड नहीं, डार्क रेड नहीं, ऑलरेडी अग्नि तत्व का है ये कलर, डार्क रेड ना आपके अंदर टेम्परामेंट्स को बहुत ज्यादा आतुर कर देगा, और अग्रेशन बढ़ा, और अग्रेशंस की तरफ, अग्रेशन कह लीजिए, या आपका टेम्परामेंट पहले ही अग्रेसिव है तो बहुत ज्यादा आप अग्रेसिव हो जाओगे हर तरीके से। दूसरी बात, किचन के अंदर भी स्पेशल लिखना इस पॉइंट को, तो किचन से संबंधित बात है, किचन के अंदर भी जो पत्थर लगेगा स्लैब्स पर, अलमारीज में या अलमीराज में जो बनते हैं पार्टीशंस, वहां पर भी
व्हाइट पत्थर यूज नहीं करना है, मतलब वह पत्थर कौन कौन से यूज होंगे बता देता हूं, व्हाइट लिख लीजिए पहले, व्हाइट यूज नहीं होगा, आपने देखा होगा मार्बल्स रेड कलर का आता है, एक उसके दो तीन रूप है, रेड है हल्का सा, थोड़ा सा ग्रीन और ब्लैक के बीच का है, ये दो पत्थर आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक ग्रीनिश का आता है सर, ग्रेनाइट टाइप का, यस ग्रीनिश ब्लैक, ग्रीनिश ब्लैक या फिर रेड, रेड भी लाइट इधर भी, हाँ वो लाइट ही आता है पत्थर, मार्बल पत्थर रेड कलर का आता है, किचन के लिए अलग से वो यूज कर सकते हैं। अब ये क्या यूज नहीं कर सकते, ये यूज नहीं कर सकते, अब आगे ले पढ़ो, क्या यूज नहीं कर सकते, अब आप बताइए अग्नि का शत्रु कौन है, जल, जल, अच्छा ब्लू नहीं, ब्लू कलर नहीं, कोई भी शेड ब्लू का नहीं, कोई ब्लू पत्थर नहीं लगा सकते, ब्लू शेड नहीं कर सकते, ब्लू कलर नहीं कर सकते। अगर आपने, अब आपको देखो क्या शानदार चीज बताने वाला, यदि आप किचन में कोई ब्लू कलर का फोटो भी लगा दिया, समझ लो आपको दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, ब्लू कलर की सीनरी भी लगा दी तो भी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, समझ रहे हो ना, क्यों, तत्व क्या कह रहा है और खुद दिशा क्या कह रही है, वो विपरीत नहीं जा सकता, उनके समन्वय से ही रिजल्ट मिलता है, क्लियर हुई बात। अब आपको देखना बड़े ध्यान से, मैं इस समय इस रूम की समझने के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए, ये मैं पूर्व साइड में बैठा हूं और आप कहां बैठे हो, वेस्ट साइड, पूर्व पश्चिम, वो नॉर्थ है और ये साउथ है, किसी भी रूम में जहां आप बैठे हो, मान लीजिए आपके सामने जो बैठा है, जहां आप काम लेने गए हो, जिससे जिसके सामने आप कोई भी चीज प्रस्तुत करने गए हो, वो किस डायरेक्शन में बैठा है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए, वो किस डायरेक्शन में बैठा है, बैठा है, मान लीजिए मैं कहां बैठा हूं, ईस्ट में बैठा हूं, और आप मेरे कहां हो, साम में, पूर्व दिशा का स्वामी कौन होता है, सूर्य, और पश्चिम दिशा का स्वामी कौन होता है, समझ, पूर्व दिशा कौन सा पंच तत्वों में आती है, वायु, ईस्ट पूर्व वायु में आता है, और सामने कौन है, वेस्ट, सामने कौन है, वेस्ट, वेस्ट क्या होगा, वेरी गुड, आकाश। अब देखना मैं यहां बैठा हूं, मैं किस तत्व से प्रभावित हूं, वायु तत्व से, और वहां कौन सा तत्व है, आकाश, वायु और आकाश कैसे हैं आपस में, वायु और आकाश कैसे हैं, साम, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे लेफ्ट में मेरा वायु तत्व है, वायु तत्व का नेगेटिव कौन होता है, बोलो बोलो शाबाश, याद करो, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व कहां आता है, पृथ्वी साउथ में आ गया, बोलो शाबाश, पृथ्वी तत्व कहां होता है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अगर मेरे सामने जो मेरे साउथ वेस्ट है, अगर वहां बंदा खड़ा हो जाता है और रिक्वेस्ट करता है, तो मैं डिनाई कर दूंगा अपने आप, ये बहुत लॉजिकल गहरी बात बता दी मैंने आपको, मैं क्या कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना, आप जज के सामने गए और आपको उससे काम लेना है, तो नेगेटिव तत्व पे नहीं खड़ा होना जाके, बस तुम्हारा काम कर देगा वो, मैं दोबारा बोलता हूं, वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में बैठा है, बस ये देख लो कंपास से, उसके एंटी एलिमेंट पे खड़ा नहीं होना जाके, वरना वो मना कर देगा आपसे, ये डिनाई कर देगा आपकी बात। अब मेरा एंटी एलिमेंट में वायु की तरफ बैठा हूं और पृथ्वी मेरा अर्थात साउथ वेस्ट कॉर्नर मेरा नेगेटिव है, जैसे अब ये बच्चा साउथ वेस्ट में बैठा मोटा मोटी इधर की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज आएगी वो वहां हो सकता है हर बात का डिनाई चला जाए।
आपकी पोजीशन कहां आनी है ये वास्तु डिसाइड करती है। आपको सामने वाले से क्या बुलवाना है, आप सही पद पे खड़े हो जाओ, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करेगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि तुम्हें केवल अपनी डायरेक्शन के बारे में सोचना है कि हमें कहां खड़ा होना है सामने वाले के। मैं अब देखना, मैं पूर्व दिशा में हूं, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैं अग्नि दिशा में हूं, मैं मंगल साउथ हो गया, और सामने सामने वाला मेरा ब्लू शर्ट पहन के खड़ा है, सामने ब्लू शर्ट पहन के खड़ा है, ब्लू जल और मैं अग्नि हूं, क्या हो जाएगा? एंटी हो गए शत्रु। और अगर मुझे काम लेना है उससे, मैं कौन हूं? अग्नि इस समय, अग्नि का मित्र कौन है? वायु। आप ग्रीन कपड़ा पहना दो उसको, दो मिनट में उसकी, वो कहीं भी खड़ा हो उसकी बात हाँ हो जाएगी। अच्छा, कहीं भी खड़ा, वो रेमेडीज आ गई। सर मेरी जल पूर्व की तरफ होकर क्या बैठती है? हाँ जी, पूर्व की तरफ हूँ यानी कि वेस्ट की तरफ। मेरा मुंह ईस्ट की तरफ होता है, मेरा मुंह पश्चिम की तरफ होता है, क्या करना चाहिए मुझे जब मैं जब आप अपना कोना ढूंढिए, आपकी जज पूर्व की तरफ मुंह करके बैठी है।